ओम शांति। भगवान इस धरा पर आए हम सभी को वापिस घर ले जाने के लिए, और उन्होंने आकर हमें अनेक स्मृतियां दिलाई, हमारी सोई हुई चेतना को जगाया, हमारी दबी और छुपी हुई शक्तियों को जागृत किया, हमारी प्योरिटी को भी जागृत किया, हमें स्मृति दिलाई तुम तो देव कुल की महान आत्माएं हो, और बताया अब ये खेल पूरा हो रहा है, मैं आ गया हूँ तुम्हें वापिस घर ले जाने के लिए, और तुम्हें सब कुछ यहीं छोड़कर तेरे मेरे के बंधन से मुक्त होकर अपने कर्मों के खाते को समाप्त करके अब मेरे साथ वापिस चलना है। तुम चलो या न चलो, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। तो हम सभी को इसलिए बाबा ने देह से न्यारा ऐ शरीरी होने की बहुत प्रैक्टिस कराई है। जितना जितना हम देह से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं, देह से हम डिटैच होते जाते हैं, कर्मेंद्रियों के रस समाप्त होते जाएंगे, हमारे सूक्ष्म बंधन भी पूरे होते जाएंगे। आत्मा यदि शरीर में ही बंधी है तो बाह्य बंधन भी उस पर प्रभाव डालते हैं, और आत्मा यदि इस देह से न्यारी होने का अभ्यास करने लगे तो बाह्य बंधन भी सहज ही समाप्त हो जाते हैं। हमें शरीरी होने का बार बार अभ्यास करें, इससे बहुत बड़ा फायदा हमें प्रैक्टिकल में होगा। सारा दिन अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे और डीप साइलेंस के अनुभव में हम जाएंगे। सारा दिन अगर हम ये अभ्यास करते रहें तो शाम तक जाते जाते हमारा चित्त शांत हो जाएगा। ये स्थिति हमें बहुत आकर्षित करेगी, और जितना जितना हम देह से न्यारे होते जाएंगे हम सबके प्यारे भी बनते जाएंगे। न्यारी चीज सबको वैसे ही प्यारी लगती है। हमारा देह से न्यारा होना परमात्मा प्यार को आकर्षित करेगा और हमें योगयुक्त होने में भी बहुत मदद करेगा। तो हम बार बार अभ्यास करेंगे आज, मैं आत्मा बहुत तेजस्वी, अपने को छोटी सी बिंदी नहीं देखेंगे, ऐसा बिंदु स्वरूप जिससे बहुत शक्तियां, एनर्जी, प्रकाश, शांति, पवित्रता चारों ओर फैल रही है, ये मैं हूँ। मैंने इस तन में प्रवेश किया है, मैं भ्रकुटि सिंहासन पर विराजमान हूँ। अलग अलग तरीकों से अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे और बार बार अपने को ये फीलिंग देंगे, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो चमकती हुई आत्मा हूँ, ये देह तो विनाशी है, ऐसे देह तो मैंने अनेक लिए हैं और छोड़े हैं, अब इस देह में मैं विराजमान हूँ, परमात्मा कार्य अर्थ, ऐसा चिंतन भी साथ साथ रखेंगे तो अनुभव होगा कि धीरे धीरे निराकारी स्थिति बढ़ती जाती है। कर्मेंद्रियों से हम न्यारे होते जाते हैं, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती हैं, कर्मेंद्रियों का रस हमें अपनी ओर खींच नहीं रहा है, तो ऐसा दीदीपन वास्तव में हमारी बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। इसको हम बढ़ाते चलें ताकि अंत में हम एक सेकंड में देह से न्यारे हो जाएं। ये न्यारापन अनेक विशेषताओं को हमारे अंदर भरेगा। न केवल हम देह से डिटैच होंगे लेकिन मोह ममता से भी मुक्त होते जाएंगे। जब हम स्वयं को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो दूसरों पर भी हमारी ऐसी ही दृष्टि जाती है कि ये सब भी आत्माएं हैं, तो आत्मिक भाव पैदा हो जाता है और इससे आत्मा में बहुत शक्तियां आ जाती हैं, आत्मा की प्योरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो हम सभी आत्मा के सभी सातों गुणों को फिर से याद करेंगे।
और एक एक को स्वीकार करेंगे। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, तो ज्ञान के अलावा और कुछ भी मेरे पास नहीं। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्यार से भरपूर हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा तो स्वभाव ही शांति है। मैं पवित्र हूँ, मैं हूँ ही पवित्र। स्वीकार करेंगे एक एक गुण को। आज इस सुंदर चिंतन में अपना समय व्यतीत करेंगे और बार बार अपने को मस्तक सिंहासन पर बैठी हुई चमकती हुई मणि देखेंगे। ओम।